पीलीभीत पुलिस के लिए आज का दिन खास रहा। पुलिस अधीक्षक पीलीभीत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 3 सफलताएं बताई। पुलिस ने 37 साल से हत्या के मामले में फरार चल रहे सजायाफ्ता मुजरिम को गिरफ्तार किया। ये एक व्यक्ति था जो मुकदमा संख्या 104/78-302 में मर्डर के केस में एक मर्डर हुआ था थाना गजरौला में आज से लगभग 38 साल पहले। उसमें इसको 1980 में सजा भी हुई थी, लेकिन ये पैरोल आदि ब्रेक करके ये आदमी तत्काल ही गायब हो गया था और उसके बाद से फरार ही चल रहा था बादस्तूर। ये भेज बदल के देवी स्थलों वगैरह में घूमता था और आज इसके ऊपर 5,000 रुपये का इनाम भी था। साथ ही बेलसंडा में 2 दिन पूर्व हुई युवक की हत्या का खुलासा किया, जिसमें युवक की प्रेमिका और उसके पति को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। बिलसंदा थाना बिलसंदा अंतर्गत 8 तारीख को एक अज्ञात शव मिला था। उसमें पुलिस ने पूरे प्रयास किए, सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किया। 2 दिन के अंदर उसकी शिनाख्त गौरंग जायसवाल के नाम से की गई। अधिक जानकारी की गई तो मामला प्रेम प्रसंग का पाया गया। तीसरी बड़ी सफलता, कुख्यात सट्टा किंग वेद प्रकाश उर्फ वेदी को गिरफ्तार कर लिया। ये एक मंडल स्तर पर ऑपरेट होने वाले सट्टे का पर्दाफाश किया गया है। इसकी सूचना प्राप्त हो रही थी, पूरा जाल बिछा करके सटीक सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा एक नजरुल्ला पहलवान है कस्बा बिशनपुर में, इसके घर में दबिश दी गई। दबिश देने पर वहां पे जो इनका किंग पिन जो इसको माना जाता था वेद प्रकाश उर्वेदी, इसको अरेस्ट किया गया। ये सदर बाजार जिला शाहजहाँपुर का रहने वाला है और इनके पास से इसका एक साथी जो इसका मुनीम टाइप का है शुभम शुक्ला, इसको भी गिरफ्तार किया गया। We'll be right back.